सारा दिन सड़कों की खाक फांकता ये मेहनत कश अनवर अली है। अनवर अली किराए का रिक्शा चलाता है। आग बरसाती धूप, ट्रैफिक का आजदहाम, कानून की फनकार, मेहनत की कीमत अदा करने में लैतोलाल रोज का मामूल है। मगर इसकी आंखों की वीरानी है कि जाती नहीं। जाने वो कौन लोग हैं जिनके लिए हर दिन एक नया दिन होता है। हमारे लिए तो जिंदगी किसी अनजाने जुर्म की पादाश है। वही मालिक को दिन भर की मेहनत में से हिस्सा देना, घर के किराए के लिए रुपया रुपया जोड़ना, बच्चों को फाके से बचाना, सारा दिन इस मशीन को खून पिलाओ तो बच्चों के लिए दूध की एक बोतल नसीब होती है। और आज एक नई मुसीबत का सामना है। इसके बच्चे को बुखार है, दिन भर खांसता रहा है और बुखार में तपता रहा है। रिक्शा मालिक को हिस्सा देने के बाद 300 रुपए बचे थे। आटा, दूध, दाल, तेल, चाय की पत्ती लेने के बाद महज 150 रुपए बचे हैं। 50 रुपए किराए के लिए रखने हैं, 50 रुपए पानी और बिजली के बिल के लिए रखे हैं। अब अल्लाह करे बच्चे की दवा 50 रुपए में आ जाए। डिस्पेंसरी तो फ्री थी मगर दवा की कीमत 150 रुपए है। बच्चे को सीने का इन्फेक्शन है, खांसता रहा तो तपे तक तक जा पहुंचेगा। अनवर क्या करता, अल्लाह वाले के पास गया और दम करवा कर ले आया। दवा ले लेता तो बाकी घर क्या फाका करता। सारे दिहाड़े तकरीबन 12-13 घंटे रखा चलाईदा, खोल पसीना एक करीदा, फिर जाके 250-300 रुपया तो लभ ले, हुंदा ही नहीं खर्चा पूरा। सिर ते ले लिए, पैर नंगे हुंदे, पैर ते पैरां ते ले लो सिर नंगा हुंदा। ते तुसीं हुण सानूं दस दिओ कि 300 रुपया ले जिहनूं किस तरह पूरा करे। फिर घर दा बिल मीटर कटिया पिया जे बिजली तो, घरदिआं नूं खुआईए पियाईए की करिए, साडा ते गुजर नहीं हुंदी।